हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट, आउट हो चुका है स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेटेड का, जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की बात करें, करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम है इस बार का, अगर देखा जाए तो कंपनी की ओर से इनकम जनरेट किया है इस बार का अराउंड 2529 करोड़ का। मार्च 2024 2570 करोड़ का। जून 2023 2126 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। एक्सपेंस 1505.9 करोड़ का। मार्च 2024 1630 करोड़ का। जून 2023 में 1265 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार की कंपनी निकल गया EBIT, यहाँ पे देखा जाए तो लॉस एक्चुअली है 339 करोड़ का। मार्च 2024 287 करोड़ का। जून 2023 में 11 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन में लॉस इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी को फिनांस कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा इस बार का और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। जिसके बाद लॉस है आफ्टर टैक्स, कंपनी का लॉस जो निकल के आया है 337.5 करोड़ का। मार्च 2024 में 167 करोड़ का। जून 2023 15 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। EPS -0.23 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन में डाउन देखने को मिल रही है। कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाएगा तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट को कवर करेंगे तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो अराउंड 202 करोड़ का। मार्च 2024 में 306 करोड़ का। जून 2023 में 151 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 113.7 करोड़ का। मार्च 2024 में 198.9 करोड़ का। जून 2023 में 69 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 88.8 करोड़ का। मार्च 2024 में 107 करोड़ का। जून 2023 में 81.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का अगर देखा जाए तो 145 करोड़ का लॉस है। मार्च 2024 में 150 करोड़ का। जून 2023 में 104 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर है, ईयर ऑन ईयर में लॉस इंक्रीज किया। EPS -0.15 रुपीज़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। रिजल्ट गाइस कंपनी का बहुत ही वीक पेश किया, क्योंकि इनकम प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। अगर हम इसके शेयर की बात करें 94.6 रुपीज़ पे क्लोज किया, 3.4% का क्रैश किया है। 5 डे में कंपनी का शेयर 0.2% का लॉस है। 1 मंथ में 3.5% का लॉस है और 6 मंथ्स में 5% का प्रॉफिट है। इस कंपनी का शेयर अभी देखा जाए तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, मतलब एम शेप का पैटर्न बन रहा है, जिसके बाद कंपनी डाउनफॉल होता है और शेयर डाउनफॉल होती है। इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करें तो मत कीजिए फिलहाल के लिए, वेट कीजिएगा। इस करेक्शन होने दिए उसके बाद आप इसमें कंसीडर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं।